सिद्धार्थनगर के डुमरियागंज में समर सत्ता भोज का आयोजन। हिंदू युवा वाहिनी के प्रदेश प्रभारी व विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में सदर विधायक श्याम धनी राही, हिंदू युवा वाहिनी बस्ती के अध्यक्ष अज्जू हिंदुस्तानी समेत भारी संख्या में लोग मौजूद रहे। वहीं विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि आज देश व प्रदेश मोदी जी व योगी जी के नेतृत्व में हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है, लेकिन समाज में कुछ लोग ऐसे हैं जो जातिवादी का जहर समाज में फैला रहे हैं। वो समर सत्ता भोज कार्यक्रम करके सबको एकजुट रखने का पहल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह कार्यक्रम जिले में ही नहीं पूरे प्रदेश में चलाया जाएगा। पेश है सिद्धार्थनगर के संवाददाता मोहम्मद आफाकी खास रिपोर्ट। के कार्य में हो, सुरक्षा के कार्य में हो, सामाजिकता के कार्य में हो, आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में, आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में आगे चल रहा है। और उसमें बहुत सारे ऐसे लोग जिनकी राजनीतिक बिसाते कम होती जा रही थी, वो जात बात का विष समाज को घोल रहे हैं। इसलिए समरसता का कार्यक्रम साभोज के माध्यम से बहुत महत्वपूर्ण है। हम यह कार्यक्रम पिछले कई वर्षों से चलाते रहे हैं, ये हमारे लिए कोई नया कार्यक्रम नहीं है। चूँकि समाज जब इकट्ठा होता है तो कुछ बड़ी योजना बनती है। सरकार से समाज की रचना नहीं होती, समाज से सरकार की रचना होती है, या समाज ही किसी चीज़ की संरचना करता है। इसीलिए साभोज का कार्यक्रम समाज में ऊंच नीच छोटा बड़ा का भेदभाव समाप्त करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और यह कार्यक्रम आज का प्रारंभ या अंत नहीं है। आज के बाद हमारा हर जिले तहसील मुख्यालयों पर कार्यक्रम होगा, जिले के हर बाल मुख्यालय ब्लॉक मुख्यालयों पर भी कार्यक्रम होगा, अन्य जनपदों में भी कार्यक्रम होगा, और हम अपने विधानसभा के हर न्याय पंचायत स्तर तक यह कार्यक्रम की निरंतरता बनाए रखेंगे।